कोस कोस पर मुद्दे बदले, पांच कोस पर नेता, और भैया यहीं मिलेगी सारी चुनावी कहानी, क्योंकि ये है घाट घाट का पानी। मेरे पीछे ताजमहल है और आप समझ ही गए होंगे कि हम पहुंच चुके हैं यमुना नदी के किनारे बसे आगरा में। आगरा जो नदी के किनारे बसा है लेकिन पानी के लिए तरस रहा है। तो चलिए चलते हैं आगरा लोकसभा क्षेत्र के चुनावी सफर में और जानते हैं क्या है यहाँ के मुद्दे। ये आगरा लोकसभा क्षेत्र है और हमारे साथ हैं एसपी सिंह बघेल साहब। बघेल साहब, पिछली बार चुनाव में जनता ने खूब प्यार दिया आप सबको, आपकी पार्टी को, लेकिन इस बार चेहरा बदलने की जरूरत क्यों महसूस हो गई फिर इस क्षेत्र से? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि इटावा लोकसभा को बेहतर लड़ सकते हो। इटावा के रहने वाले हैं, एससी कमीशन के चेयरमैन है, तो एक बड़ा है। इटावा लोकसभा के हिसाब से भी शायद सोचा गया होगा, मुझे यहाँ के लिए खुद समझा गया होगा। पार्टी का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को आगरा की ऐतिहासिक लोकसभा पर टिकट दिया। या फिर सर जातीय समीकरणों को भी ध्यान में रखा गया, इक्वेशंस को ध्यान में रखा गया और लगा कि आप सुटेबल हैं? जहाँ पर आप खड़े होकर मेरा ये बयान ले रहे हैं, ये आगरा लोकसभा है, ये आगरा नहीं थी, ये जलेसर थी। तो आगरा लोकसभा के वर्तमान स्वरूप के 43% वोटों का मैं 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुका हूँ। जहाँ आप खड़े हैं ये आगरा नहीं थी, ये जलेसर थी, ये अभी नया आगरा में शामिल हुआ। तो मेरी 2 विधानसभा यहाँ आ चुकी हैं जहाँ से मैंने हैट्रिक मारी थी। स्वाभाविक बात है कि पुराने लोग प्यार करते हैं, आप देख ही रहे होंगे। यहाँ किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं आप जनता के बीच? देखिए, यहाँ पर हर विधानसभा का मुद्दा अलग है। आगरा लोकसभा अजीब मिजाज की है, इसमें आगरा उत्तर, आगरा दक्षिण और छावनी है, तो देहात की आगरा की एतमादपुर है। अभी आप चलेंगे तो एटा जिले की यहाँ पर जलेसर भी है। तो हर गांव का अपना अलग अंदाज है, कहीं सड़क नहीं है तो सड़क चाहिए, कहीं स्कूल नहीं है तो स्कूल, कहीं बिजली नहीं है तो बिजली, कहीं पानी नहीं है तो पानी, कहीं अस्पताल नहीं है तो अस्पताल। लेकिन आगरा शहर के हिसाब से वहां पर मांग ये होती है कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना ही चाहिए, क्योंकि रोज 50,000 विदेशी यहां पर रहता है। इसके साथ गिरते हुए भूजल स्तर को और ड्रिंकिंग वाटर के लिए बैराज प्रमुख मांग है। एयर कनेक्टिविटी में हम सबसे खराब है विश्व में, जबकि हमारे पास 3 हेरिटेज है, ताजमहल है और फतेहपुर सीकरी और आगरा का फोर्ट है, और राधा स्वामी संप्रदाय का भी एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, अकबर का टॉम है, मरियम का टॉम है। तो एयर कनेक्टिविटी कम है, तो एक एयरपोर्ट की भी यहाँ पर। सर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं किसी विपक्ष के नेता से बात कर रहा हूँ, तो इसके तो जवाब अभी को देने हैं कि अभी तक क्या हो रहा है आपकी दोनों जगह, अभी की सरकार। हाँ, इस संदर्भ में सरकार ने ये किया है कि रबर का एक नई टेक्निक का बैराज हो रहा था, लेकिन यमुना की भौगोलिक स्थिति को देख करके वो DPR नहीं पास हुई है। मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेते ही जमीन एक्वायर करने के लिए एयरपोर्ट के लिए 64 करोड़ रुपए दिया था, जमीन भी एक्वायर हुई है, कुछ काम भी शुरू हो रहे हैं। एयरपोर्ट के लिए, उसके लिए स्टेडियम के लिए जगह तलाशी जा रही है, तो ऐसी बात नहीं। मेट्रो यहाँ आ चुकी है, माने आ चुकी है, DPR पास हो गई है, प्राइम मिनिस्टर ने उसका शिलान्यास कर दिया, तो काम हुए हैं। आप अभी यहाँ आए हैं आगरा से, अगर पूर्ववर्ती हमारी पिछली सरकार काम नहीं होती तो वाटर वर्क्स तक आने में आपको घंटों लग जाते। आज हर जगह एलिवेटेड रोड है, और उन्होंने तो गुरु की, अरे 3 लोग के धनी। आगरा की मिठास यानी पेठा, और पेठा वाली गली का चुनावी मुद्दा है कि पेठा मिठाई नहीं फल है। ये आगरे की पेठे वाली गली है और यहाँ पंछी पेठा है, हालांकि पंछी पेठा बहुत जगह लिखा हुआ दिखता है। और मेरे साथ है HK शर्मा जी। शर्मा जी, हर जगह पंछी पेठा नजर आता है, तो ये आपके वाला खास है या सब पंछी पेठा कुछ खास ही? ये 1926 से पेठा यहीं से स्टार्ट हुआ था, और यहाँ उस समय पंछी लाला बैठा करते थे। ये पंछी लाला जी के नाम पे पंछी पेठा पड़ा? जी हाँ जी हाँ, ये उनके नाम से है, लोग कहते हैं पंछी पेठा, एक्चुअली पेठा पंछी नहीं है, पंछी तो मालिक था। अच्छा, ये उनकी ब्रांड निकल गए तो उन्हीं को वो पंछी बोलने लग पड़ेगा, हमको पंछी पेठा होना। तो इस बार चुनाव भी सर पे आ गए हैं और इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस से निकल कर एक अच्छा नेता सामने आ पाता है। जी। तो अभी क्या चल रहा है आपकी पेठे वाली गली में? क्या व्यापारियों की कोई समस्याएं हैं जो सुनी नहीं गई, या फिर आप चाहते हैं ऐसा नेता है जो कुछ हल करे यहाँ गली की समस्या? हमारी शुरू से फाइट चल रही है केवल टैक्स के ऊपर, क्योंकि पेठा मैन्युफैक्चरिंग केवल UP तक ही सीमित है, और वो भी मैक्सिमम आगरा में ही है। तो हमारी यही लड़ाई है कि जब ये मिठाइयों में शामिल ही नहीं है, आप किसी भी मिठाई पे जाके देखे, मिठाई वाले की दुकान पे आपको पेठा नहीं मिलेगा। पेठे के लिए एक सर्टेन दुकानें ही हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से पहले भी प्रार्थना थी, अभी भी प्रार्थना है कि कम से कम इस पे से GST तो हटा ली जाए, क्योंकि टोटल वेजिटेबल है ये, और एग्रीकल्चर बेस पे है, किसानों से लिया जाता है, तो जब किसानों पर कोई कर नहीं है तो हम पे क्यों है? आप कह रहे हैं कि पेठा मिठाई नहीं है, ये फल है? फल है, फल है, और इस पे कई बार बातें भी हो चुकी है,
पूर्व सरकार से भी प्रेजेंट में भी सरकार से बस पर कोई हल नहीं निकल रहा। कांग्रेस ने प्रीता हरित को मैदान में उतारा जो आईआरएस ऑफिसर थी। मार्च में ही नौकरी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की और अब चुनावी मैदान में हैं। आगरा की गलियों में प्रचार पर निकली तो गाड़ी का टायर नाली में फंस गया। वो तो भला हो कार्यकर्ताओं का जिन्होंने पूरी गाड़ी ही उठा ली और उसके बाद पतली गली और गाड़ी के आगे रास्ता बनाते कार्यकर्ता। ये आगरा लोकसभा क्षेत्र है और मेरे साथ है कांग्रेस की प्रत्याशी प्रीता हरित। प्रीता हरित जो कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो 22 साल की उम्र में आपने प्रशासनिक सेवाओं में दाखिल आपने निकाली ये सेवाएं और दलितों के लिए आप करती रही सेवाओं में रहते हुए। लेकिन मैम जब आपकी गाड़ी अंदर आ रही थी तो पतली सी सड़क है, एक बार आपकी गाड़ी टायर जो है गड्ढे में घुस गया, पतली सी सड़क, आपके कार्यकर्ता आगे से गाड़ी खोलते हुए आ रहे हैं, तो कितना आसान होता अगर आप उतर के खुद आ जाती? क्या मुश्किल होता है नेता होना ऑफिसर होने की बजाय? 24 घंटे काम कर रही हूं जी, सोने के लिए समय नहीं मिल रहा है क्योंकि आपको जीतना है मैम, 100% जीतना है। और उस समय बाई चांस मेरी आंख लग गई थी तो जब गाड़ी गड्ढे में गिरी तो मुझे एक झटका सा लगा था थोड़ा सा। मैं 500 मीटर का भी रास्ता नहीं होगा, आप पैदल चल के आती कार्यकर्ताओं से मिलते हुए आती? पैदल चल ही रहे ना, पूरे दिन में 20 किलोमीटर पैदल चलते हैं, 20 से 22 किलोमीटर। अच्छा कांग्रेस चलते ही है हम। कांग्रेस आपने कब ज्वाइन की मैम? कांग्रेस ज्वाइन किया मैंने 20 मार्च को। उससे पहले आप अधिकारी थी? 20 मार्च तक। तो अचानक से पहले से ये तैयारी थी या अचानक से ये ख्याल आया? जो काम करती हूँ पक्का करती हूँ और पूरा करती हूँ। पहले से आप तैयारी थे? जब आप सर्विस में थी तब आपको लग रहा था आप कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? हाँ ये जल्दी फैसला लिया मैंने। वैसे मेरी परिवार, मेरी विचारधारा, हमारे 3 पीढ़ियों से सब कांग्रेस ही है। जब आप अधिकारी थी तभी आपने फैसला लिया था कि आप कांग्रेस ज्वाइन करनी है और मुझे लड़ना है चुनाव? हाँ इसीलिए तो कहा, 20 तारीख तक मैं नौकरी में थी और 20 तारीख की शाम को मैंने पार्टी ज्वाइन की। तो एक अधिकारी के लिए पॉसिबल होता है पहले से प्लान करना अपना करियर आगे पॉलिटिक्स में? क्या इंसान नहीं होते क्या, उनको करियर बनाने का हक नहीं है क्या? राजनीति करियर है? बिल्कुल करियर है। सेवा के लिए नहीं आई? सेवा करने के लिए आई। जब मैं सरकारी नौकरी में थी तो मैं अपना सारा काम बखूबी करती थी, अब जब मैं राजनीति में आई हूँ तो मैं अपना सारा काम बखूबी करूंगी और राजनीति में मैं त्याग पत्र देकर आई हूँ। समय सबके पास 24 घंटे ही होता है मैम। त्याग करके आई हूँ, कुछ देकर आई हूँ, एक बलिदान करके आई हूँ, तो यहाँ पे खाली बैठने नहीं आई हूँ, मैं काम करूंगी और बढ़िया काम करूंगी। अच्छा अभी संगठन है जो आपके सामने उम्मीदवार है वो महागठबंधन का भी उम्मीदवार है जो जिसमें बसपा का वोट अगर बात करें तो हो सकता है उनके साथ जाए। आप दलित राजनीति या दलित चिंतन से जुड़ी रही तो आपको लगता है कि वो समाज आपके साथ आएगा? 100% मेरे ही साथ है वो समाज, क्योंकि मैंने उनके लिए काम किया, बरसों काम किया है, न सिर्फ मैंने बल्कि मेरे पूरे परिवार ने काम किया है और सब लोगों के समर्पित भाव से हम जुड़े हुए हैं। आज नौकरी छोड़ करके त्याग करके मैं यहाँ आई हूँ। करियर के लिए आई है? त्याग क्या हुआ इसमें? करियर क्या होता है, देखिए करियर, एक करियर जो आपका अच्छा था दूसरे अच्छे करियर के लिए आप इसमें आ गई। करियर को आप नेगेटिव कनोटेशन से क्यों जोड़ते हो हमेशा? करियर करियर है, उसको नेगेटिव कनोटेशन से आप क्यों जोड़ते हो? ये आपकी सोच है ना, वो नेगेटिव है। वो अच्छा नहीं था क्या जब आप आईआरएस ऑफिसर? बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा काम करती थी मैं। तो वहाँ भी आप सेवा कर रही थी? हाँ बिल्कुल, भारत सरकार की सेवा में थी। उसमें बस ये है कि भारत सरकार के माध्यम से हम जो हमें काम दिया जाता था वो करते थे। आपने आगरा ही क्यों चुना? आगरा मेरी कर्मभूमि है इसलिए। तो यहाँ के कुछ मुद्दे जो आप उठाना चाहें कुछ खास? सारे लोकल मुद्दे उनके ऊपर मैं हर सभा में बोलती हूँ, वही सब मुद्दे। जैसे महिला सुरक्षा हो गया, गंदे पानी की समस्या, बैराज को बनाने की बात है, ये एयरपोर्ट बनाने की बात है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और टूरिज्म को डेवलप करना है तरीके से, बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ पे स्टेडियम की भी मांग कर रहे हैं, अभी हम अधिवक्ताओं के बार काउंसिल में गए थे यानी लॉयर्स एसोसिएशन के उधर, तो उनको हाईकोर्ट की मांग है वो भी पूरी करनी है, हाईकोर्ट की एक बेंच रहनी चाहिए यहाँ पर, बहुत सारे मुद्दे हैं। चलिए आखिरी सवाल, जब आपने कांग्रेस ज्वाइन की उसके बाद जब आपने पहली सभा यहाँ ली तो आपके आंसू आ गए, आपने कहा संगठन साथ नहीं दे रहा है कांग्रेस पार्टी? पहली सभा नहीं साथ ली थी, वो हमारी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था और उसमें दुर्भाग्य से कुछ कार्यकर्ताओं में आपसी किसी कारण से आपसी हो गई थी हाथापाई, वो जो भी है आर्ग्यूमेंट हो गया था, तो थोड़ा सा अनुशासन देख करके हमें अच्छा नहीं लगा था बस। और अभी साथ हैं सब? बिल्कुल 100%, मैं सबको साथ लेकर चलना चाहती हूँ। आगरा में भूजल खारा है, यमुना प्रदूषित है, गंगा जल लाया गया है, लेकिन अभी भी आधे से ज्यादा शहर पीने के पानी के लिए तरस रहा है।
ये आगरा है जो कि यमुना नदी के किनारे बसा है, लेकिन यहाँ पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। इससे कई बातें सामने आती हैं कि यमुना का पानी बेहद खराब है, यमुना में पानी नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि बड़े बड़े वादों के बीच छोटी छोटी जो बातें हैं, और या कहें तो सबसे बड़ी बात है कि पानी के लिए लोग परेशान। सर, अभी आपने टैंकर मंगवाया तो क्या नल का पानी बिल्कुल बंद है? पानी आता नहीं है नल का, तो पाइपलाइन पड़ी हुई है, पानी नहीं आता बिल्कुल। अभी दो वर्ष पहले पाइपलाइन पड़ी तो दो तीन दिन पानी आया, बड़े खुश हुए, उसके बाद आज तक एक पानी नहीं आया। एक टैंकर कितने का पड़ता है? एक टैंकर अभी तो 300 रुपए का ला रहे हैं, लेकिन भरोसा नहीं, गर्मी बढ़ेगी जैसे इनके रेट बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल साधन लास्ट बिल्कुल यही है, टैंकर से पानी मंगाओ, क्योंकि आप नहाओगे अभी आप खुद नहा के देखो पानी से, समझ के पानी से आपके बाल ऐसे हो जाएंगे लकड़ी जैसे एकदम, कपड़े भी बिल्कुल साफ, जहरीला पानी है बिल्कुल। उसके लिए फिर टैंकर ही लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, और कोई नहीं है। जमीन से पानी निकलता है, खारा पानी है? खारा है बिल्कुल, ना नहा सकते हो, कपड़े धो सकते हो, थोड़ा आगे चले जाओ भैंस भी पानी नहीं पीती, उनके लिए भी टैंकर का पानी मंगाना पड़ता। अभी भी क्या मुद्दा क्या है आपका, पानी है या फिर? जी सर, यहाँ तो पानी की तो इतनी परेशानी है, यहाँ अगर कोई भी नेता होता है या आता है तो आज मैं तो आज तुम भी आगे की आंख पर जुमा लो, टैंकर देख के तुम भी इनके पीछे पीछे चले आए, ठीक है? आज से पहले कोई नहीं आता, हम तो यहाँ से 3-4 साल हो गए हम मेरे को रहते हुए, मैं किराए पर रह रहा हूँ, मगर यहाँ पर इतनी कोई सुविधा नहीं। अगर 4 लोग घर में मेहमान आ जाए, अगर पानी टैंकर नहीं आए तो क्या करेंगे? या तो जुमा लो या तो प्यासे मर जाएंगे, या तो जुमा लो कोई परेशानी, कोई इसका समाधान कोई है ही नहीं है। आज तो जब इलेक्शन आ रहा है तो आप भी पीछे पीछे घूम रहे हैं, ठीक है ना? अगर जुमा लो इलेक्शन नहीं होता तो तुम भी नहीं आते, नहीं आज तक मैंने अभी तक कोई मीडिया वाला देखा ही नहीं है यहाँ पर आते हुए, और जुमा लो इलेक्शन आ रहा है इसी चक्कर में, तो अब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद तुम भी अपने घर बैठोगे, वो भी कोई नहीं सुनेगा, नहीं भैया कौन कहाँ कहाँ रहता है, कौन के किस बस्ती में रहता है। इलेक्शन का टाइम है तो चलो हम भी आ गए, अभी तो नेता भी आएंगे, है ना? तो अभी तो जो मुद्दा है वो क्या है, आप पानी पे जाएंगे या फिर आप बड़े देश के जो बाकी राष्ट्रवाद है इन सब पे चले जाओगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं पानी पे जाएंगे ना, पानी के ऊपर सारी स्टडी यही है कि जो मान लो पानी के ऊपर रखी है, अब जो मान लो पानी नहीं मिलेगा तो पानी की जो मान लो आज स्थिति है, आगे चल के भी यही स्थिति है। आज जो मान लो ये पानी की स्थिति है ना, जब जो मान लो आपने जो मान लो चुनाव आ रहा है इस चक्कर में, जो मान लो आप भी डोले अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं साहब, ठीक है ना? अगर जो मान लो ये चीज चुनाव नहीं होता तो आज तक मैंने इतने दिन हो गए, अभी तक आपको कहीं देखा नहीं कि पानी के बारे में अगर किसी को संशोधन करते हुए कि साहब इस बस्ती में या इस नगरी में आसपास के इलाके में कहीं पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, किसी से आपने पूछा? नहीं पूछा। तो चलिए, ये पानी की समस्या है, सोचिए जब हमें इतना सुनना पड़ रहा है तो जो नेता वोट मांगने के लिए आएंगे उन्हें कितना सुनना पड़ेगा जी? ये आगरा में वार्ड नंबर 28 बोला जाता है, नगला किसान लाल नाराज के नाम से, और अलीगढ़ रोड पे बिल्कुल नजदीक मोहल्ला है, मेन रोड पे बिल्कुल ओपी कोल्ड के सामने, और ये दलित बस्ती है, ये जाटा बस्ती है टोटल, इधर शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, भारत सरकार की तरफ से ये मलिन बस्ती भी घोषित है, तो शायद मुझे लगता है उसी प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पाइपलाइन डाली गई थी। अलीगढ़ रोड पे और जलेसर रोड पे यहाँ से 15-16 नलकूप हमारे विधायक रहे पूर्व में डॉक्टर धर्मपाल जी, उन्होंने लगवाई अपने प्रयास से, लेकिन पानी की व्यवस्था जिसकी तस बनी हुई है। कुछ क्षेत्रों में आ रहा है पानी, वहाँ अनलिमिटेड सप्लाई चल रही है, इसी से भी कोई ध्यान नहीं देता भाई, बैलेट रूप से कनेक्शन करा दिए जाए, सबको प्रॉपर पानी मिले, और मुख्य मुद्दा यहाँ तो हमारे इलेक्शन पे पानी है सब बस। अच्छा, गवर्नमेंट की जो बाटर वक्स की पाइपलाइन है इस क्षेत्र में है ही नहीं, अभी गंगाजल प्रोजेक्ट आया, देखिए 2800 करोड़ का प्रोजेक्ट था, इस क्षेत्र में अछूता रहा बिल्कुल, कोई गंगाजल नहीं मिला आपको, कोई व्यवस्था सादा ही नहीं मिलता गंगाजल की, तो बात ही अलग है बिल्कुल, जो सादा पानी आ रहा है यमुना का या ये यही नहीं मिल रहा, गंगाजल तो सपने यहाँ पे, अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, उसमें कोई पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं हुई गंगाजल की भी। तो पहले हमारी तो ये मुख्य मांग है कि यहाँ सादा पानी आ जाए, मीठा कम से कम, नलकूप लगे हुए हैं वही विधिवत रूप से चालू हो जाए तो पानी की सप्लाई आ जाएगी, गवर्नमेंट ध्यान दे तो जी। तो चलिए, ये जाटो बस्ती है और जितने भी नेता हैं पार्टी हैं उन्होंने अपना पूरा हिसाब लगाया होगा, वोट का हिसाब लगाया होगा, जाति आधार पर हिसाब लगाया होगा, लेकिन काश कि पानी की समस्या भी हल किया होता तो उन्हें भी नहीं सुनना पड़ता और शायद आज हमें भी।